अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं महरूख कुरैशी। नाज़रीन, हमारे समाज में करप्शन की कहानियां जबान जद आम हैं। आजकल देख रहे हैं हम कि एक साबिक वजीर आज़म भी बार बार पेशियां भुगत रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर वज़रा के ऊपर भी करप्शन की कहानियाँ हैं। जिन हालात में आपको लगता है कि शायद अब दीगर एहतियार जो इदारे हैं वज़रा एहतियात के साथ काम करेंगे, लेकिन वफाकी इदारे हुकूमत के कल्ब में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर होने वाली अरबों रुपये की करप्शन की इस कहानी को सही मानों में अजब करप्शन की गज़ब कहानी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, जिसमें अभी भी इदारे जो हैं वो जिस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है कि इन हालात में भी जब करप्शन की बात गश्त मुल्क के तूलो अर्ज में सुनाई दे रही है और जुडिशरी इतनी एक्टिवली इन मामलात को देख रही है, अपोजिशन इसके ऊपर एक जो है वो नज़र रखी हुई है, फिर भी बच बचा कर किस तरीके से इदारे जो हैं वो इन कहानियों को छुपाने की, इन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी कैपिटल टीवी की जानिब से ब्रेक की गई थी और इस अजब करप्शन की गज़ब कहानी और मुल्की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन में सरकारी इदारों की मिली भगत से कौमी खजाने की लूटमार, कीमती तरीन सरकारी अराजी को औने पौने हथियाने और कवानीन को अपनी मन मर्जी से तोड़ने मरोड़ने के तमाम सिलसिले मिलते हैं। नाज़रीन, इस सारे खेल की मनसूबाबंदी इंतहाई ड्रामाई अंदाज में की गई, लेकिन करप्शन इतनी बड़ी थी कि छुप ना सकी। स्कैंडल सामने आया तो तफ्तीश, कानूनी कार्रवाइयाँ, मुलजमान की नामजदगी, ECL में उनका नाम और मुकदमात, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला है, जहाँ पहुँच कर यकदम एक नई इंक्वायरी खोली जाती है। FIA की जानिब से यू टर्न लिया गया, ये तारीखी यू टर्न FIA लेती है और अपनी सबका इंक्वायरी को रद्द करके एक नई इंक्वायरी करती है। किसके हुक्म पर करती है, क्यों करती है, इसकी भी बात करेंगे। और तमाम मुलजमान को जो इसमें मुलव्वस थे उनको क्लीन चिट दे देती है, उनको क्लियर कर देती है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि FIA ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में 25 अरब रुपए का स्कैंडल जो बताया था वो कहां गया? कौमी खजाने को 25 अरब रुपए नुकसान की जो बात बताई थी FIA ने वो कैसे हवा हो गई एकदम? कहानी है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ग्रैंड हयात 5-स्टार होटल की तामीर की। कहानी है होटल के बजाय अचानक लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीर की। कहानी है इदारों की बेहिसी की। कहानी है जमीर फरोशी की, मुल्क के खजाने को बेदर्दी से लूटने की। नाज़रीन, 12 साल पुराना ये स्कैंडल जिसके ऊपर तमाम तर सबका हुकूमतें जो हैं वो खामोश रहती हैं और कैपिटल TV कौम मुल्क सल्तनत की आवाज़ बनकर इस केस को आपके सामने लेकर आता है, जिसके बाद इदारे हरकत में आते हैं। लेकिन FIA कुछ ज़्यादा ही हरकत में आता है और कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो इंतहा गलत और मशकूक हैं। FIA खुद एक अपनी FIR लॉन्च करता है नाज़रीन, और ये FIR की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। 2 मई 2017 को ये FIR दर्ज करने के लिए के इन तमाम तर मुलजमान को जो है मुलव्वज़ ठहराया गया है। FIA का किरदार सामने आता है, तमाम एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इंटरिम चालान जो है वो पेश किया जाता है, खुद सेंट्रल जज इस्लामाबाद के सामने ये इंटरिम पेश किया जाता है और इसमें कई दफ़ात, ये आप देखें 10 पेजेस पर मुश्तमिल ये इंटरिम चालान है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। 409, 419, 420, 468, 471, 201, ये तमाम तर दफ़ात इन तमाम तर मुलजमान के ऊपर लगाई जाती हैं। ये 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इंटरिम चालान पेश किया जाता है और फिर क्या होता है नाज़रीन, फिर FIA का तारीखी यू टर्न हमारे सामने आता है और ये हम आपको दिखा रहे हैं जी, इम्पार्शल इंक्वायरी जो इस हवाले से कंडक्ट की जाती है और ये इम्पार्शल इंक्वायरी भी बड़े मज़े से कंडक्ट की जाती है। होता कुछ यूं है कि बहुत सारे जो इफेक्टिव हैं वो रابطہ करते हैं, वो जाते हैं और कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जी हमें तो रिलीफ दिया जाए, इसमें आखिर हमारा क्या कसूर है। और इसी में एहसान मानी साहब जो कि ICC के सबका चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो भी एक पटिशन जो है वो फाइल करते हैं कि जी हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है, हिदायत जारी करती है कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को, स्टेट को और इसके साथ साथ CDA को, कि जी इनको रिलीफ फराहम करने के हवाले से कुछ ना कुछ इकदाम जो हैं वो किए जाएँ और एक फार्मूला डिवाइस किया जाए जिसमें बताया जाए कि कौन पैसे देगा और कितने पैसे देगा। बात सिर्फ यहां तक थी कि कौन पैसे देगा और कितने पैसे देगा और इस हवाले से गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, CDA अपना किरदार अदा करे। लेकिन होता कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस एक कमेटी तश्कील देते हैं और जो कमेटी कोर्ट ने तश्कील देने का कहा था, यानी कोर्ट भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके सर्टन मेंबर्स होते हैं, उस कमेटी को शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रद्द करते हैं और अपनी एक नई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कमेटी, उसमें कुछ और अराकीन को वो शामिल करते हैं, हेडेड बाय द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और उसको ये टास्क दिया जाता है कि किसी तरीके से ये जो पूरा मंसूबा है इसको आप रेगुलराइज करें, यानी इसको आप बहाल करें। कोर्ट क्या ऑर्डर करती है कि जो इफेक्टिव हैं
उनको रिलीफ फराहम किया जाए कंपनसेशन की हद तक। कमेटी क्या काम करती है कि मंसूबे को रेगुलराइज और बहाल करने के हवाले से कोर्ट के ऑर्डर्स के बरक्स अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हुए ये अहकाम सादर करती है और सी डी ए इन अहकाम को एक्सेप्ट करते हुए एक हिकमत अमली तैयार करता है कि जी किस तरीके से इस मनसूबे को लीगलाइज किया जाता है, कैसे सेटलमेंट जो है वो की जाती है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह चुके हैं कि ये मनसूबा गैर कानूनी है, इसमें सी डी ए के तमाम तर सबका अफसरान मुलविस हैं। इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पैरा रिपोर्ट मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यह मनसूबा गैर कानूनी है, इसमें अरबों के घपले हुए हैं। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसने कहा कि इसमें घपले हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कहने पे ये केस नैब के पास भी जाता है, ये केस एफआईए के पास भी जाता है, नैब में ये केस जेर अल्तवा है। और आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नैब ने बिल आखिर जितना हमने कोशिश की और जितना दीगर भी ये पब्लिश होता रहा मीडिया में, एक हमारी भी इस हवाले से स्ट्रगल रही है, नैब ने बिल आखिर जो जेर अल्तवा जो केस था 25 जनवरी को अपनी ईवीएम की मीटिंग में डिसाइड किया कि इसको जो है वो फाइनली री इन्वेस्टिगेट किया जाए। और आज बाकायदा तौर पर इसकी री इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो चुका है और जो पनामा जीआईटी से शोहरत रखने वाले इरफान मंगी साहब हैं वो बेसिकली अब इसको प्रोब करेंगे, उनको डीजी नैब रावलपिंडी जो हैं वो अब इसको जो है प्रोब करेंगे। ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोर्ट ऑर्डर्स को बालाए ताक रखते हुए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को बालाए ताक रखते हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट को बालाए ताक रखते हुए शायद तक नबासी साहब किस तरीके से ऑर्डर्स दे सकते हैं इस मंसूबे की बहाली का। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है उनके जेर तहत उनको निगरान बनाकर सारी कमेटी ने कैसे किया ये अपने इख्तियार से तजावुज़, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एफआईए को री इंक्वायरी का हुक्म कैसे दिया जा सकता है, एफआईए कैसे अपनी सबका इंक्वायरी को रद्द कर सकता है। मैंने भी आपको बताया कि ये सबका इंक्वायरी इंटरिम चालान जो है हमारे पास मौजूद है जिसमें चार्जेस लगाए गए हैं तमाम तर मुलजमान पर। और अब आते हैं इस इम्पार्शल सो कॉल्ड इम्पार्शल इंक्वायरी की जानब। ये इम्पार्शल इंक्वायरी एड्रेस की जाती है एफआईए की जानब से अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जिसमें वो कहते हैं कि जी आपके अहकाम यानी कि आपने यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर आपने कमेटी बुलाई थी उनके अहकाम को मद्देनजर रखते हुए हम एक इम्पार्शलरी कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे गैर कानूनी जिस मंसूबे को करार दिया गया हो कोर्ट की जानब से उसके ऊपर एफआईए अपनी ही इंक्वायरी के ऊपर एक री इंक्वायरी तश्कील दे सकती है। मजे की बात यह है कि इस री इंक्वायरी के अंदर अपनी सबका इंक्वायरी जो थी उनकी जिसको कंडक्ट किया था उनके इंस्पेक्टर जावेद सुल्तान साहब ने, और अब ये इंक्वायरी जाती है कैप्टन रिटायर्ड शोएब साहब के पास, और वो इस इंक्वायरी के अंदर नाजरीन तमाम तरह एलिगेशंस ड्रॉप कर देते हैं हर उस शख्स के खिलाफ जिसके ऊपर पहले उन्होंने एलिगेशंस जो है जो सबका इंक्वायरी अफसर थे उनको सुने बगैर मुस्तरद कर देते हैं उनकी रिपोर्ट को और ख़ुद ये फाइंडिंग्स देते हैं फॉर्मर चेयरमैन सीडीए के हवाले से। जैसे कि अगर एलिगेशन उनके ऊपर लगाई जाती है कि जी मास्टर प्लान जो था उसके अंदर उन्होंने चेंज अलाउ कर दिया, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टोरीज 4-5 मंजिला बन सकती थी लेकिन उन्होंने 47 मंजिला की मंजूरी कैसे दे दी, आगे लिखा हुआ है ड्रॉप्ड, फाइंडिंग्स के आगे लिखा हुआ है ड्रॉप्ड रिलैक्सेशन। अच्छा फिर अगर उनके ऊपर एलिगेशन ये था कि जी उन्होंने बिड जो है वो 5-स्टार होटल बिड ऑफ 5-स्टार होटल वॉन बाय बीएनपी ग्रुप विच इज़ अ कंसोर्शियम ऑफ 4 कंपनीज बट प्रोसीडिंग्स कैरिड आउट अगेंस्ट बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड ओनली फॉर चीटिंग एंड फ्रॉड, आगे लिखा हुआ है ड्रॉप्ड। ओरिजिनल बायलॉज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 5-स्टार होटल जो है उनको बालाए ताक रखा गया, आगे लिखा हुआ है एलिगेशन ड्रॉप्ड। एलिगेशन है जी लीज डीड वॉज साइंड इंस्टेड ऑफ लीज अग्रीमेंट विदाउट कंप्लीट पेमेंट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और ये बात जो है जॉइंट सब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद ने मेंशन भी की हुई है, इसको नज़रअंदाज किया गया इस ऑब्जर्वेशन को, आगे लिखा हुआ है ड्रॉप और कोई रीज़न भी नहीं दिया गया। यानी कुछ एलिगेशन ऐसे हैं जहाँ पर अगर चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं तो रीज़न भी नहीं दिया गया कि भाई किस बुनियाद के ऊपर आप ये चार्जेस ड्रॉप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह इररिवोकेबल बैंक गारंटी की बात की गई है जो सीडीए ने नहीं हासिल की, आगे लिखा हुआ है ड्रॉप। इसके बाद एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर कामरान कुरैशी जो कि फॉर्मर मेम्बर फाइनेंस है सीडीए, उनके ऊपर भी जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं मिसाल के तौर पे कि जी सीडीए डिड नॉट प्रोटेक्ट द मॉनेटरी इंटरेस्ट्स ऑफ सीडीए, यानी देखा ही नहीं ख्याल ही नहीं रखा कि भी इदारे का भी कुछ ख्याल रखा जाए मॉनेटरी इंटरेस्ट का, आगे लिखा हुआ है ड्रॉप्ड फॉर रीजंस मेंशन्ड एज अबव। कौन से अबव मेंशन्ड रीजंस की बात हो रही है, कुछ नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलिगेशन अगेंस्ट हबीबुर रहमान गिलानी फॉर्मर डायरेक्टर स्टेट सीडीए जो कि जिनका काम था सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ डील करना, उनके ऊपर ये एलिगेशन भी है कि वो कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ डील कर सकते थे, आगे चार्ज ड्रॉप कर दिया गया और कोई रीजन नहीं दिया गया और ये लिखा गया एज नॉट सब्सटेंशिएटेड, यानी ये सब्सटेंशिएट ही नहीं हो सका
कि वो कैसे थे, यानी ये मालूम ही नहीं किया जा सका कि ये जो फॉर्मर डायरेक्टर स्टेट हैं वो वाकई कमर्शियल प्रॉपर्टी से डील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इसी तरह दीगर भी उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको तमाम के तमाम एलिगेशंस को ड्रॉप कर दिया गया है। आते हैं CEO MSBNP प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो बिल्डर है, जो बुनियादी तौर पर बिल्डर है, जो मेन अक्यूज्ड है इस केस के, अब्दुल हफीज शेख साहब CEO MSBNP, उनके ऊपर भी लगाए गए तमाम तर एलिगेशंस को ड्रॉप कर दिया गया है। जब कहा जाता है कि उन्होंने किस तरीके से एक कंपनी से अपनी दूसरी कंपनी का नाम तब्दील किया, लिखा गया है कि एज नॉट सब्सटैंशिएटेड, लिखा गया है कि उन्होंने जी कौमी खजाने को जो है वो अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया, सस्ती महंगी ज़मीन बहुत सस्ती खरीदी, आगे लिखा हुआ एज नॉट सब्सटैंशिएटेड, और इसी तरह दीगर चीज़ें भी हमारे सामने हैं नाजरीन कि जिसमें तमाम तर जो केसेस हैं उनको जो चार्जेस हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो अहम सवाल है वो ये बनता है कि किस तरीके से इस अरबों रुपए की करप्शन के केस के अंदर अभी भी पर्दापोशी करने की कोशिश की जा रही है, और रिसेंटली इन तमाम तर चार्जेस को ड्रॉप करने के बाद FIA ने किस तरीके से तमाम मुलजमान को बरी कर दिया है। सवाल ये बनता है कि इतने बड़े करप्शन केस का क्या कभी कोई अख्तिताम होगा, कोई अंजाम होगा, क्या ये मुलजमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यही वो सवाल है जिसको लेकर आज का हम ये प्रोग्राम तश्कील दिया है, और इसी पर हम अपने हमारे पैनलिस्ट से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है जी शाह खावर साहब, फॉर्मर अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बैरिस्टर शहरयार रियाज शेख साहब मेरे साथ मौजूद है जी, लीगल एक्सपर्ट हैं और इस केस को डे वन से बेहतरीन अंदाज में फॉलो कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज फाइनली हम देख रहे हैं कि कई इदारे हरकत में भी आए हैं और कुछ ज़्यादा हरकत में भी आ गए हैं और अजीब व गरीब हरकतें भी करने लगे हैं। सबसे पहले शाह खावर साहब आपसे जो है ना आगाज़ कर लेते हैं। सर ये इतना बड़ा अहम केस, मेगा करप्शन का केस, और हम देख रहे हैं कि अभी मुल्क के तूलो अर्ज में करप्शन स्कैंडल्स उन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतनी एक्टिव हुई हुई है, ये किस तरीके से सर FIA यूटर्न ले सकता है अपनी सबका इंक्वायरी से, क्या इसकी कभी कोई पाकिस्तानी हिस्ट्री में मिसाल मिलती है? देखिए जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है कोई भी एजेंसी करे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FIA हो या NAB हो, उसमें यकीनन अगर किसी पहली तफ्तीश में कुछ ऐसे फ्लॉज मौजूद हों उसकी री इन्वेस्टिगेशन की तो कानून में इजाज़त मौजूद है, उसमें कोई ऐसा कोई अनयूजुअल बात नहीं, किसी की तरफ से अकामात आनी चाहिए ना? लेकिन होता यह है कि ऐसी इंक्वायरी, देखिए पूरा एक सिस्टम है, FIA के इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स हैं 2002 के, उसमें उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ रखी हुई हैं। अगर किसी करप्शन के केस में FIA के साथ के सामने अगर कोई ग्रेड 22 का ऑफिसर है उसमें एक्यूज्ड है तो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है एंटी करप्शन काउंसिल होती है, जिसके एक सेक्रेटरी दाखिला उसके चेयरमैन होते हैं, DG FIA और कुछ मेंबर्स उसके होते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रेड 21 का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी होता है, ग्रेड 21 से नीचे की अथॉरिटी DG FIA होते हैं। तो अब देखना ये है कि ये जब मौजूद है ना, मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट ने जब गैर कानूनी कह दिया, मतलब वो री इन्वेस्टिगेशन हो कैसे सकती है? मैं आपको बता रहा हूँ जो पहली इन्वेस्टिगेशन, देखना ये होगा कि क्या वो पहली इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रूल्स के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसकी इजाज़त दी थी, और अब जब उसकी जो री इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्या उसकी इजाज़त भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ली गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि एक इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उनको जिम्मेदार गर्दान रहा है, उसमें उन लोगों को 25 अरब रुपए का कह रहे हैं कौमी खजाने को, और उसके नतीजे में एक चालान पेश हो जाता है जिसमें वो कोर्ट से कहते हैं कि इनके खिलाफ ये शहादतें मौजूद हैं, इनका ट्रायल शुरू करें। उस स्टेज के ऊपर जैसे आपने बताया कि इसमें इंट्रा कोर्ट अपील अभी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल करार दिया, और उसमें कुछ कमेटीज भी बनाई, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से एक कमेटी बनना, रिकॉन्स्टिट्यूट की कोर्ट, वो एक पैरेलल मैं समझता हूँ, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट एक पैरेलल कमेटी बनी, और मुझे हैरत हो रही है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कैसे उसकी जो है सरबराही कबूल की, उनके आर्टिकल 100 में जो उनकी ड्यूटीज हैं उसमें इस तरह की किसी इंक्वायरी कमेटी का हेड बनना उनकी टर्म्स ऑफ ड्यूटी में शामिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर कहें फिर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मैंडेट के मुताबिक जाना है जो आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। अब इसमें देखना यह है कि अब सब्सिक्वेंटली जो अभी इंक्वायरी हुई और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि ये चार्जेस सारे हम ड्रॉप करते हैं, जितने एक्यूज्ड हैं उन सबके एलिगेशन जो है उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन इसका एक मरहला भी मौजूद है कि फाइनली जब इसकी कंकरेंस DG FIA देंगे, ये जाएगा स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के पास।
अगर ये इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट चालान भी उनके पास गया है, क्योंकि इसमें ये कानून का एक मंशा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी को चालान करती है तब भी वो कोर्ट में जाएगा, अगर किसी चार्जेस को ड्रॉप करती है, ठीक है, और उसमें कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर मूव करती है तो वो भी स्पेशल जज सेंट्रल एंटी करप्शन इस्लामाबाद के पास जाएगा। ये उनकी जज साहिबा हैं, आजकल खातून जज हैं जिनके पास चार्ज है, ये उनकी सवाबदीद है कि इनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट को वो माने या ना माने। उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इनकी कैंसिलेशन को रद्द कर दें और एफआईए को कहें कि इसका चालान पेश करें कोर्ट में। लेकिन उस सूरत में भी ये होता है कि फिर चूंकि वो अपनी फाइंडिंग्स दे चुकी है एफआईए, तो उसमें वो चालान जरूर सबमिट करेंगे, लेकिन उसमें जितने मुलजम हैं उनको खाना नंबर दो में डाल देंगे। खाना नंबर दो में वो मुलजमान होते हैं जिनको प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने चालान नहीं किया होता, और वो एट दी मर्सी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के रहम व करम पे छोड़ देते हैं कि हमारी नजर में तो ये बेगुनाह है, लेकिन कोर्ट अपने तौर पे इसमें शहादतें कलेक्ट करने के बाद जो फैसला दे दे। अब इसमें जो एक बात आपने अभी जो बताई कि नैब ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में पास पहले भी ज़ेर-ए-इल्तवा था, और अगर उन्होंने ये इंक्वायरी स्टेज पे था, अगर उन्होंने इसको इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद उसकी अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, तो अब इन्वेस्टिगेशन में उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, उनके पास वो सारी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्टेज के ऊपर नैब जो है इन मुलजमान की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, पहले चालान पेश किया जाता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, नाम ईसीएल में डालने का कहा जाता है, फिर अपनी ही इंक्वायरी को रद्द कर दिया जाता है, तारीखी यू टर्न लिया जाता है और तमाम मुलजमान को क्लीन चिट दे दी जाती है, क्लियर कर दिया जाता है। किस तरीके से ये सारा मामला होते हुए आप देख रहे हैं लीगली? जी देखें, पहले तो एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन बाय योर साइड, वो पूरी तरह मामले को डिटेल में हमें बताता है कि क्या हुआ और क्या क्या हुआ। और जैसे शाह खाबर साहब ने लीगल बात बताई ऑन द लीगल साइड के री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, इसमें थोड़े सी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं। एक तो एफआईए के डीजी ने एज सच ऑन हिज ओन नहीं री इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर किया, ये पहले इंक्वायरी स्टेज पे था मैटर, फिर एक एफआईआर फाइल हुई अपग्रेडेड इनटू एन इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द पीएम ऑफिस अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड, और कमेटी आगे से इन माई हम्बल व्यू कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी कि वो ऑर्डर करते कि डी नोवो इंक्वायरी करें ऑन एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की एक इंक्वायरी हुई, और जैसे आपने कहा वो जो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन है, जो फ्रेश इंक्वायरी है, वो ना सिर्फ एफआईए की अपनी टीम को अंडरमाइन करती है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को अंडरमाइन करती है, वो ऑडिटर जनरल के पैरा रिपोर्ट को अंडरमाइन करती है, वो पीएससी की फाइंडिंग को अंडरमाइन करती है। और अगर हम देखें जो कमेटी बनी है, अगर उसकी फॉर्मेशन देखें तो अनफॉर्चुनेटली उसमें सेक्रेटरी कैट शामिल हैं जो अजहर अली चौधरी साहब हैं, और हमने पिछले शो में भी बात की थी कि अजहर अली चौधरी साहब इसी मामले में एफआईए में जेरे तफ्तीश हैं, उनका नाम बड़ा ख़तरा था कि उनका नाम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज़ के नाम में आ जाएगा, और उनके होते हुए कमेटी डायरेक्ट कर रही है कि डीनोवो ट्रायल, डीनोवो इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, और वो इंक्वायरी सौंप दी जाती है कैप्टन शुएब साहब को, जो एटलीस्ट तीन बार सुपरसीड हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली अदब से, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि वो उनकी एक डूबियस सी रेपुटेशन है, और इसमें नहीं कह रहा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, अगर आप रीजन देखें कि तीन बार क्यों सुपरसीड हुए तो इट्स वेरी क्लियर। तो ये मामला जरा बहुत ही मर्की हो चुका है, और इसका बैकग्राउंड भी है, अगर बैकग्राउंड हम देखें हम ब्रेक से वापस आके डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर कोई जो है वो ब्रेक ना आए, तो इसलिए एक मुख्तसर सा वक्फा, एक मुख्तसर सी ब्रेक साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब आप बैकग्राउंड बताना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी मुख्तसरन आप जरा बैकग्राउंड बताएं ताकि हम फिर ज्यादा इस बात पर डिस्कस कर सकें कि किस किस ने अपने मैंडेट से और अपने इख्तियारात से और क्यों कर तजावुज किया है। जी जैसे आपने जिक्र किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक तारीखी जजमेंट का,
authored by Justice Arthur Manila, one of our finest judges. वो लिखते हैं अपनी 50 पेज जजमेंट में कि 240 लोगों को लूट लिया गया. ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जजमेंट में लिखा हुआ है. सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस का हवाला दिया जाता है. चीटिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. डिसऑनेस्टी के ऑन पार्ट ऑफ CDA, ऑन पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डर्स. और ये अगर हम देखें, इस पर याद दहानी की ज़रूरत है कि BNP ग्रुप ने बिडिंग में हिस्सा लिया, लेकिन लीज एग्रीमेंट BNP प्राइवेट लिमिटेड साइन करती है. FIA कहती है इससे कुछ नहीं पड़ता. FIA के तफ्तीशी अफसर कैप्टन शोएब साहब कह रहे हैं ये रिलैक्सेशन है, ये CDA के परव्यू में है, ये सब्सटेंशिएट ही नहीं हो सका. ये पुरानी वाली FIA कुछ और कह रही थी, पुरानी वाली FIA कुछ और कह रही थी, नई वाली FIA कुछ और कह रही है. लेकिन हम अपनी समझबूझ से और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स को अगर देखें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहता है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट एन इलीगल एक्सरसाइज है. ये बड़ा डिस्कस हुआ है कि जिस कंपनी ने बिडिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो लीज को कैसे साइन कर सकती है. इसी बात पर पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये ही बताता है कि वो कितना नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था. और BNP ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव थे जनरल तौकीर ज़िया. BNP ग्रुप में जो पी है, दैट स्टैंड्स फॉर पैरागॉन सिटी. पैरागॉन सिटी ये वही है जो नदीम ज़िया साहब की है. लेकिन रूटीनली शायद रोज, इट्स एन ओपन सीक्रेट के वो ख्वाजा साद रफीक से मुंसलिक की जाती है. तो बिल्कुल. और फिर इस केस में इनसाइडर रिपोर्ट ये है कि ना सिर्फ अब्दुल हफीज पाशा साहब का इन्फ्लुएंस था जो मौजूद थे कमेटी हियरिंग में, वो तो कह रहा था कि लग रहा है कि डिक्टेट करा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, अगर ये बात दुरुस्त है. और फिर इसमें ये एक और ये भी बात आ रही है कि जो मालिकान हैं फ्लैट्स के, उनमें से एक फेडरल मिनिस्टर साहब के साहबजादे भी हैं, और उन फेडरल मिनिस्टर को मीडिएशन के लिए अब्दुल हफीज पाशा और फॉर्मर पार्टनर पैरागॉन सिटी के ख्वाजा साद रफीक के साथ एक आर्बिट्रेशन कराने के एवज में एक सिटिंग पावरफुल फेडरल मिनिस्टर को आउट ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपार्टमेंट लिया गया जो अभी तक उनके बेटे के नाम पे मौजूद है इस बिल्डिंग में. सो इट्स नॉट अ सिंपल मैटर. अगर एंजाइटी है, जैसे जिक्र किया शाह खावर साहब ने अपना एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन दिया कि कैसे कैंसिलेशन रिपोर्ट का इख्तियार है कि जज रिजेक्ट कर सकता है, तो वैसे तो ये भी इख्तियार था कि अगर चलान चला भी गया और अगर केस में कोई बात नहीं थी तो कोर्ट एक्विट कर देता. ये क्या एंजाइटी थी इस कमेटी को, क्या एंजाइटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि वो आउट ऑफ द वे जाके अपनी ही रिपोर्ट्स को निगेट करके, अपने ही इदारों को निगेट करके, इस्टेब्लिश फैक्ट्स को निगेट करके वो इसमें इंटरवीन करते हैं और मुकम्मल क्लीन चिट देते हैं इन अ वेरी डूबियस वे. वो तो आप आगे सवाल करें तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे एक 10 अरब की ज़मीन जो नेस्पा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 10 अरब की ज़मीन 4.5 अरब में फ़रोग कर दी जाती है, और फिर कैसे एक सर्विस अपार्टमेंट जो अब्दुल हफीज पाशा साहब खुद मान रहे हैं कि जी मैं बेचूंगा नहीं, ये सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, बेचने के लिए नहीं. उनके लेटर्स हैं, 3 लेटर्स का तो मैं हवाला दे सकता हूं जिसमें CDA ने लिखा है उनको, CDA ने आर्किटेक्ट को लिखा है, फिर अब्दुल हफीज पाशा साहब खुद लिख रहे हैं कि जी ये गलत तासुर दिया जा रहा है. लेकिन मुझे ये बताइए बैरिस्टर साहब, ये सारी चीजें इतनी वाजे हैं, सारी चीजें इतनी वाजे हैं, शखावर साहब दूध का दूध और पानी के मुतरादिव, और इसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है, कोर्ट का मौजूद है. जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी मनसूबा है. ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि गैर कानूनी मनसूबा है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कह रही है गैर कानूनी मनसूबा है, और FIA की भी सबका इंक्वायरी कह रही है जी गैर कानूनी मनसूबा है, घपले हैं. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतनी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, वो सब उनसे बड़े इंप्रेस्ड हैं कि जो बड़े चंद दिनों में आके बड़े ज़बरदस्त इकदाम उन्होंने किए, वो कैसे ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स को हवा में उड़ा सकते हैं और अपनी एक कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कमेटी, मतलब कोर्ट ऑर्डर्स के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी अपनी कमेटी, नंबर वन. नंबर टू, वो कैसे एक गैर कानूनी मनसूबे को कानूनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं अपने एक मातहत वफाकी इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को. ये दोनों चीज़ें क्या हम ये कह सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया? यकीनन मिसयूज ऑफ पावर, यकीनन ऐसा ही है. उसकी वजह यह है कि देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अपनी एक अहमियत है, उसका भी ऑडिटर जनरल की भी अपनी है, लेकिन जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब एक हाई कोर्ट एक फैसला कर दे तो वो बाइंडिंग हो जाता है ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, जब तक वो अपसेट ना हो सुप्रीम कोर्ट से या इंटर कोर्ट अपील में. ठीक है. अब इसमें जो मुतासरीन थे, उन्होंने जब एक पिटिशन फाइल की और उस पर जब हाई कोर्ट ने जब ये होल्ड किया कि इनको कंपनसेट करने के लिए एक कमेटी जो है उन्होंने तश्कील दी
اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ چونکہ وہ تو اس پورے پروسیس کو انلیگل ڈکلیئر کر چکے ہیں تو صرف کمپنسیشن کا ایشو تھا. تو جب ان کا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جب بتایا کہ اس پہ انٹرا کورٹ اپیل بھی اس کے فیصلے کے خلاف ہو چکی ہے, لیکن انٹرا کورٹ اپیل جو جس ڈویژن بینچ کے پاس ہے انہوں نے سنگل جج کا فیصلہ ابھی معطل نہیں کیا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ دی ججمنٹ آف دی لرنڈ سنگل جج از اسٹل ہولڈنگ دا فیلڈ, وہ بائنڈنگ ہے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر. اب اس کے مقابلے میں ایک نئی کمیٹی تشکیل دینا پرائم منسٹر کی طرف سے, اس میں اٹارنی جنرل کو, دوسرے لوگوں کو رکھنا, اور اس پورے پروسیس کو ریگولرائز کرنے کا جو ایک, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے حکم کی, اس کے ججمنٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے, اور یہ بالکل غیر قانونی غیر آئینی کمیٹی ہے جس کی کوئی لیگل سینکٹیٹی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو سمجھا جائے گا کہ ایک پیرلل پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے ان پریزنس آف اے ججمنٹ آف دی لرنڈ ہائی کورٹ وچ از اسٹل ہولڈنگ دا فیلڈ. بالکل ٹھیک ہے. یہ احکامات کہاں سے آئے کہ جی ری انکوائری ہونی چاہیے, اس سارے کیس کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے اس پر ذرا بات کریں, اور بینیفیشری کون ہے؟ ابھی جو تمام تر ملزمان کو بری کر دیا گیا اور ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر, اتنی سنگین کرپشن کے کیس کے اندر اتنی آسانی سے جو ملزمان یہ چھوٹ رہے ہیں, کون بینیفیشری ہے ساری صورتحال کا, اس پر ذرا بات کروں گی. ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظر خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چودھری نثار صاحب کے جانے کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا تھا, کیونکہ انہوں نے ایک بلا تفریق انکوائری کا حکم جو ہے وہ صادر کیا تھا اپنے دورے حکومت میں, اور ابتدائی انکوائری جو کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے اور جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ انہی کے دور میں ہوا تھا. کیا ان کے جانے کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ جائیں اور اس کے بعد جو ہے اس منصوبے سے منسلک جو لوگ ہیں انہوں نے جو پھر وہ ہے اپنی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے جو تاریخی یو ٹرن ایف آئی اے کا سامنے آیا ہے, یہ انٹرلنکڈ ہے, دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل, لگ تو یہ بڑی واضح بات یہ لگ رہی ہے, اور یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے, بیکاز دس ریفلیکٹس دا اسٹیٹ آف آر انسٹیٹیوشنز. اگر یہ بندوں پہ ڈپینڈنٹ ہو, اس ٹائپ پہ منسٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہو, تو یہ تو احساس ہوتا ہے کہ شاید مفلوج ہو کے ہیں, مفلوج ایٹ دی ہینڈز آف پاورفل پیپل جو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں. چودھری نثار صاحب سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن از این اپ رائٹ مین, مین آف انٹیگریٹی, کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. اور وہ ریفلیکشن ہے, اگر یہ دیکھیں ایف آئی اے پنجاب کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر عثمان انور اور ان کی ٹیم, دے ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب. اگر آپ انٹرم چلان پڑھیں تو وہ اتنا مائنیوٹ ہے, اتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے, اور ایز اپوز ٹو آپ جو امپارشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں وہ سنگل لائن میں کہہ رہے ہیں ڈراپ 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 وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے, کیونکہ آخری ڈیڑھ سال میں کوئی ویسے تو فرق نہیں آیا, بلڈنگ تو ابھی بھی انلیگل ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا, سپریم کورٹ نے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اگر ایک فنڈامنٹل چینج آیا ہے وہ یہی ہے کہ چودھری نثار ہیز بین ریپلیس بائی اندر انٹیریئر منسٹر. اور شاید آپ نے بینیفیشری کی بات کی, تو بینیفیشری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو شاید اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ کس نے آربیٹریشن کرائی ہے اور اس کے عوض ان کو کیوں ایک کس فیڈرل منسٹر کو, ا پاورفل سٹنگ فیڈرل منسٹر, اور شاید وہ فیڈرل منسٹر ہیں جن سے چودھری نثار کی عام طور پہ, ہم سیاسی بات نہیں کر رہا میں, لیکن عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ ان کی بنتی نہیں تھی, تو شاید یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے گئے. چودھری نثار جب ہٹ گئے تو پھر وہ آؤٹ آف دا وے فیسلیٹیشن میں بھی گئے, اور فیسلیٹیشن کے عوض ان کو ایک لگژریس اپارٹمنٹ بھی ملا ہے. تو یہ بھی آئی تھنک انویسٹیگیٹرز کو دیکھنا پڑے گا. اور جہاں نیب کی بات آ رہی ہے, ہم نے اپنے پچھلے شو میں بھی ریکویسٹ کی تھی, جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ریکویسٹ کی تھی, اور آج اس میں بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جیسے آپ نے کہا عرفان منگی صاحب کا نام لیا پینما فیم کے, آئی تھنک یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر ان کی سپرویژن میں یہ انویسٹیگیشن ہوگی. اور اس میں میں حوالہ دیتا جاؤں 16A آف دا نیب لا, 16A آف دا نیب لا کلیئرز کلیریفائز دا سچویشن کہ اگر کوئی پینڈنگ میٹر ہے تو وہ اسی اسٹیج سے نیب کاگنیزنس لے سکتی ہے اس معاملے کی. اور یہ سپریم کورٹ کی 2015 کی ایک ججمنٹ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر چلان کسی کیس میں فائل ہو گیا ہے تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ریفرنس. سو اگر نیب نے اب انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہ انٹرم چلان کو ایک انٹرم ریفرنس کے طور پہ چلا سکتی ہے, اپنا سپلیمنٹری ریفرنس بھی دے سکتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ جو ایک سینسٹر کیمپین چل رہی ہے, ایک سینسٹر ایفرٹ چل رہی ہے, اور ایک ڈوبیس
डील चल रही है इससे पहले कि वो इन्फोर्स हो जाए इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाब एक प्रॉम्प्ट एक्शन ले एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम समवन लाइक मंगी साहब एंड जस्टिस जावेद इकबाल. बिल्कुल ठीक है, एफआईए ने तो अपने आप को खराब कर लिया, अब नाब क्या कर सकता है सर? देखिए नैब जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया एंड अगेन प्लीज टेल मी कि ये प्ली बार्गेन तो नहीं हो जाएगा क्योंकि अरबों रुपए इन्वॉल्वड हैं, आप लग रहा है नैब को भी कोई चमक दमक इसमें नजर आ रही हो. ये है कि बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल राइटली जो सेक्शन 15 का हवाला दिया उसमें ये है कि कोई भी किसी भी दूसरे फोरम में कोई इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश पेंडिंग है तो नैब के पास ये इख्तियार है कि वो उसका रिकॉर्ड बुलवा के खुद कॉग्निजेंस ले सकती है. तो ये तो इनके पास ऑलरेडी एक इंक्वायरी पेंडिंग थी जिसको इन्होंने आपने कहा कि वो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं. मैं ये कह रही हूं कि वो प्ली बार्गेन भी कर सकते हैं. प्ली बार्गेन का ताल्लुक है चूंकि नैब का कानून जो है वो ये प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी बशर्ते के कोर्ट अप्रूवर प्ली बार्गेन उसमें चूंकि ज्यादा उसमें इख्तियार जो है वो नैब के पास ही है कि वो दो काम कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन से पहले वो उसमें वॉलंटरी रिटर्न भी कर सकते हैं जिसमें अगर वो पैसे दे दिए जाएं या नुकसान पूरा कर दिया जाए तो उन पे नाअहली नहीं बनती पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे. लेकिन 25B के तहत अगर प्ली बार्गेन अगर इसके पूरा इसका जो तखमीना लगाया जाए कि इतना नुकसान लोगों को पहुंचा या इतना लोगों को लूटा गया अदायगी हो जाए तो वो भी ऑप्शन सेटलमेंट हो सकती है. लेकिन शाहवर साहब अपने आप लीगल बड़े बड़े आप केसेस भी सर लड़ते रहते हैं और सियासी भी आप जबरदस्त बूझ और समझ रखते हैं सर, क्या इस बात पर ये मामला खत्म हो जाना चाहिए कि जी फैक्ट्रीज को उनके पैसे मिल गए? क्या इतने बड़े करप्शन के स्कैंडल का यही क्लाइमेक्स होना चाहिए सर? क्या जो लोग इन्वॉल्व है उनको इसी तरीके से क्लियर और चार्जेस उनके खिलाफ ड्रॉप कर देने चाहिए? मैं आपको बताऊँ की पाकिस्तान के सारे इदारे और बिलखसूस जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है CDA ये तो इसके बारे में इतनी शिकायत हैं आप देखेंगे कि इसमें बहुत अहम ओहदों के ऊपर बहुत और उन सबको मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए के लोग आकर बैठे हुए हैं. बिल्कुल. और ये सबसे ज्यादा लुक्रेटिव इदारा समझा जाता है यहाँ पे इस पोस्टिंग्स को CDA बिल्कुल सही बात है. और ये जुबान जद आम है कि ये इसमें मैं समझता हूँ कि नैब को भी और गवर्नमेंट को भी और स्टेट के इदारों को भी बड़ा गौर करना चाहिए कि ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा है और इसको किस तरीके से लूटा जा रहा है. साहब आखिरी 10 सेकंड में बता दीजिए सजब करप्शन की गजब कहानी का अंजाम क्या होना चाहिए सर, 10 सेकंड. तो ये एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, नैब की मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था उसमें लिखा हुआ है कि ये इट्स अ स्कैम वर्थ 2 बिलियन, लेकिन हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्कैम ऑफ एटलीस्ट ओवर 20 बिलियन. ये जरा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि ये 2 अरब का नहीं, ये 20 अरब से ज़्यादा का मामला है और आइटमाइज किया जा सकता है. रनिंग आउट ऑफ टाइम. ठीक है बेचे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. शाहवर साहब बहुत बाजी प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने देखा कि किस तरीके से आज भी पाकिस्तान के अंदर करप्शन की कहानियां गर्म है. जितना मर्जी धरने एहतजाज हो, जितने मर्जी कोर्ट से फैसले आ जाएं, बेशक वजीर आजम ना आए लोकर घर चले जाएं, करने वाले अपना काम फिर भी कर देते हैं क्योंकि इदारे मुतहरक नहीं है. इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा. अल्लाह.